और इसी के कड़ी में सब है लॉकडाउन पे, देश नहीं पूरा विश्व है लॉकडाउन पे। इस लॉकडाउन की घड़ी में जहां हम सब लोग घर बैठे हुए हैं, वहीं बैठे हैं टीवी एक्टर और बॉलीवुड में एक्टर अपने घर, जिसकी वजह से शूटिंग नहीं हो पा रही है और शूटिंग ना होने की वजह से सीरियल्स का स्लॉट नहीं बढ़ पा रहा है। इसी कड़ी में दूरदर्शन ने एक फैसला लिया है कि हम पुराने बंद पड़े शोज को रीटेलीकास्ट करेंगे। इस रीटेलीकास्ट में नाम आया है शक्तिमान और महाभारत का, जो कि मेरे भी फेवरेट शो रहे हैं और आप लोगों का फेवरेट शो रहा होगा। तो आज बात करेंगे इसी से रिलेटेड मुकेश खन्ना के कॉन्ट्रोवर्सी की। आप देख रहे हैं फिल्म चाणक्य, मैं हूं दीपक गौतम। और इसमें बात करने से पहले मैं आपको कह दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पूरी देखिएगा, अच्छा लगेगा वीडियो को तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, कुछ क्वेश्चन और क्वेरीज हैं तो तुरंत कमेंट कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एकता कपूर वाली कॉन्ट्रोवर्सी पे। मुकेश खन्ना ने कहा जो आपने ये महाभारत क्रिएट किया है, जो द्रौपदी का ये साइड का है शोल्डर, इस पे जो टैटू दिखाया गया है, ये नहीं दिखाया जाना चाहिए था। एकता कपूर ने जवाब दिया ये महाभारत नए जनरेशन के लिए है, आज की जो युवा पीढ़ी है इस महाभारत से रिलेट कर पाएंगे। मुकेश खन्ना ने कहा हम अपनी संस्कृति और इतिहास के साथ कभी छेड़छाड़ नहीं कर सकते, अगर उसे छेड़छाड़ किया जाता तो वो हमारी संस्कृति और इतिहास नहीं होती। दूसरी कॉन्ट्रोवर्सी बात करेंगे सोनाक्षी सिन्हा वाली कॉन्ट्रोवर्सी पे। हुआ ऐसा कि सोनाक्षी सिन्हा गई थी कौन बनेगा करोड़पति के सेट पे, जो अमिताभ बच्चन का शो है और सोनी टीवी पे टेलीकास्ट होता है। उसमें अमिताभ बच्चन साहब ने क्वेश्चन पूछा कि ये संजीवनी बूटी लेने कौन गया था, वहां वो लाइफ लाइन इस्तेमाल कर लेती है। इस पर उनके काफी मीम्स बने, काफी मीम पे जो उन पे बातें की। इसी कड़ी में मुकेश खन्ना ने भी कहा कि आज की जनरेशन कैसी है, आज की युवा पीढ़ी कैसी है, उनको अपने इतिहास और संस्कृति के बारे में पता नहीं। नितिन भारद्वाज तीसरे नंबर पे आते हैं। नितिन भारद्वाज, हाँ जी भाई, नहीं वही नितिन भारद्वाज जो महाभारत में कृष्ण का कैरेक्टर करते थे। एक बात ऐसा हुआ कि नितिन भारद्वाज ने इन सारी चीजों को देखते हुए एक स्टेटमेंट जारी किया, उसमें उन्होंने ये बोला कि मुकेश खन्ना एक सौम्य होना चाहिए, वो किसी के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं बोल सकते, सबकी अपनी जिंदगी है, वो क्या कर रहे हैं करने देना चाहिए। मुकेश खन्ना ने कहा कि जो नितिन भारद्वाज है उनका स्टैंड लेने का खुद का एक तरीका नहीं है, वो अपनी बातों को नहीं रख पाते हैं, वो हाँ में हाँ मिलाते चले जाते हैं। एक कॉन्ट्रोवर्सी ये रही। हालांकि मुकेश खन्ना किसी परिचय के मोहताज नहीं, लेकिन मैं फिर भी उनके बारे में बता दूं, मुकेश खन्ना शक्तिमान का किरदार निभाते थे जो 90 के दशक में आता था दूरदर्शन में 1997 में, जो मैं भी देखता हूं और शायद आप लोगों ने भी जरूर देखा होगा। उसके अलावा वो महाभारत में भीष्म पितामह का किरदार निभाते थे जो दूरदर्शन पे ही प्रसारित होता था, वो रीरन हो रहा है इस समय दूरदर्शन पे ही। उसके अलावा मैं बता दूं ये जो शक्तिमान है लगातार 8 सालों तक चला, उसके बाद वो कुछ फिल्मों में भी नजर आए बहुत जगह, उसके बाद उन्होंने टीवी सीरियल्स नहीं किए क्योंकि उनका मानना है कि जो एकता कपूर की जनरेशन है दूसरे टीवी सीरियल वाले हैं, उन्होंने 7 बहू के बीच में पूरा का पूरा एंटरटेनमेंट का डोज ला के रख दिया है। आज किसी भी एक्टर को टीवी पे करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, सब आर्टिफिशियल हो गए हैं। ऐसे में नए गॉसिप्स के साथ आता रहूंगा, आपको नए नए खबरें देता रहूंगा। तब तक के लिए जस्ट अ बिगनिंग, सी यू सून।